हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ यूज़फुल टर्म्स की जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं, जनरली यूज़ होती हैं जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहली टर्म है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, मतलब जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो ये सारी टर्म्स जो है फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो टर्म है वो हम लेते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको शॉर्ट में ISP भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनी है दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट, जो हमको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए सर्विस देती है। एक्सेस ISPs डायरेक्टली कनेक्ट कस्टमर टू द इंटरनेट यूजिंग कॉपर वायर्स, वायरलेस और फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये वर्ल्ड वाइड जो है सारे ये इंटरनेट कनेक्शन है जिसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, हमको भी इस इंटरनेट से जुड़ना है, तो इसको जोड़ने का काम, ये कनेक्शन देने का काम कौन करता है? ये कनेक्शन देने का काम करती है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जो हैं वो हमको इस वर्ल्ड वाइड इंटरनेट से जोड़ती है। ठीक है, वो हमारे कंप्यूटर को इस वर्ल्ड वाइड इंटरनेट से जोड़ती है। अब कनेक्शन जो है दो तरह के होते हैं आज के समय में, तो आप सब लोग जानते हैं इंटरनेट कनेक्शन, या तो आप केबल्स के थ्रू भी ले सकते हैं। ठीक है, तो केबल्स के थ्रू मतलब कि जैसे आपके कॉपर वायर के थ्रू जोड़ दिया। ठीक है, या आप जो है वायरलेस कनेक्शन भी ले सकते हैं, जैसे अब धीरे धीरे अब तो सब जगह और सारे होम सारे ऑफिसेज में वायरलेस कनेक्शन ही होते हैं। और तीसरा जो है ऑप्टिक फाइबर के थ्रू भी आप इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। तो ये जोड़ने का काम ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है ये करती है। अब इसमें बात आती है कि कौन कौन सी कंपनीज है, तो अगर हम कुछ पॉपुलर कंपनी की इंडिया में बात करें तो जैसे आप जानते हैं एयरटेल है, ठीक है, BSNL है, और आप रिलायंस है, और जैसे टाटा इंडिकॉम थी। ठीक है, ये सारी जो कंपनीज हैं ये ISP का काम करती हैं, मतलब ये कस्टमर को इंटरनेट से जोड़ने की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा इंडिकॉम हो गया, और भी छोटी छोटी कई कंपनीज हैं। ठीक, अब इसमें बात आती है कि इंटरनेट कनेक्शन जो होते हैं वो देखिए दो तरह के होते हैं। अगर हम कितने किस तरह के कनेक्शन हम लें, क्या करें, तो इंटरनेट कनेक्शन की हम लोग बात करेंगे तो उसको हम अपने यूज़ के हिसाब से उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जैसे हमें मतलब अपने घर पे चाहिए तो उसको हम कह सकते हैं टिपिकल होम यूज़र कनेक्टिविटी। ठीक है, होम यूज़र। और दूसरा क्या है कि बिजनेस, जैसे हमें अपने ऑफिसेज वगैरह में चाहिए तो बिजनेस टाइप कनेक्टिविटी। ठीक है, ये दो तरह के कनेक्शन होते हैं। क्लियर। अब इसमें जो होम यूज़र कनेक्टिविटी होती है उसमें क्या क्या होता है? उसमें जैसे ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस होता है, केबल इंटरनेट होता है, डायल अप कनेक्शन होते हैं। डायल अप भी दो तरह के होते हैं। डायल अप जो कनेक्शन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN, और दूसरा होता है मॉडेम के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा DSL होता है, FTTH होता है और वाईफाई होता है। तो जो होम पर्पस से जो कनेक्शंस होते हैं वो डिफरेंट तरह के कनेक्शन यही होते हैं, ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस, केबल इंटरनेट, डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन दो तरह के, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क और मॉडेम, और फिर DSL, FTTH और वाईफाई। और ऑफिस पर्पस से हम बात करें तो ऑफिस पर्पस से एक तो DSL होता है, दूसरा हो गया हमारा मेट्रो इथरनेट टेक्नोलॉजी, मेट्रो इथरनेट टेक्नोलॉजी। ठीक
ठीक है। तीसरा होता है लीज लाइन होती है, और चौथा टाइप जो होता है वो होता है एस एच डी एस एल। अब आगे जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो इन सब की फुल फॉर्म और इसमें क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों का पर्पस क्या है कि जो फ्रिक्वेंटली यूज टर्म्स हैं इंटरनेट में उसके बारे में हम लोग जान लें। तो ये तो पहला तो हो गया हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है। अब सेकेंड आप आ जाइए, जो आप लोग अक्सर सुनते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में WWW भी बोलते हैं या इसको हम W3 भी लिखते हैं, ठीक है, तीनों एक ही चीज है। और केवल यही नहीं, इसको हम शॉर्ट में वेब भी बोलते हैं। तो चाहे आप वर्ल्ड वाइड वेब बोलिए, चाहे वेब बोलिए, चाहे WWW बोलिए, चाहे W3 बोलिए, चारों एक ही चीज है। ये क्या होता है कि WWW इज ए सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस वाया द इंटरनेट। मतलब क्या हुआ कि ये हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे वो वेब पेज हो चाहे कुछ हो, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक। और ये डॉक्यूमेंट्स आपस में वर्ल्ड लेवल पे, ये मान लीजिए ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं और वर्ल्ड वाइड ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इनको अगर मान लीजिए किसी को एक्सेस करना है तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे, इसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तरह से WWW क्या है, WWW एक इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं एंड दे कैन बी एक्सेस बाय द इंटरनेट ओनली विद ए वेब ब्राउजर। वन कैन व्यू वेब पेजेस दैट मे कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर मल्टीमीडिया एंड नेविगेट बिटवीन देम वाया हाइपर लिंक। तो वेब ब्राउजर की मदद से, जैसे आप लोग आज के समय तो सभी लोग वेबसाइट खोलते हैं, चलाते हैं, यूज करते हैं, तो जिस उस वेबसाइट को हम जिस सॉफ्टवेयर में खोलते हैं उसको हम बोलते हैं वेब ब्राउजर। जो कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर है वो जैसे हम लोगों का क्या है, गूगल क्रोम, ये सब लोग यूज करते हैं। गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये सब क्या है, ये सब वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर मतलब वो सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू हम हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से, ठीक। अब इसमें एक चीज ये आती है कि अगर हम बात करें कि इन द टर्म इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब आर ऑफन यूज इन एवरीडे स्पीच विदाउट मच डिस्टिंक्शन। मतलब हम लोग जनरली क्या आज के समय में बात करते हैं कि जनरली हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब ये एक ही चीज है, हम इस तरह बात करते हैं, ठीक। लेकिन हाउएवर द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब आर नॉट वन ऑन द सेम, लेकिन ये दोनों एक ही चीज नहीं है, ठीक है। द इंटरनेट इज ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट तो एक ग्लोबली वर्ल्ड वाइड सिस्टम है जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर जो कहीं किसी कंट्री में है, किसी शहर में है, कहीं सिचुएटेड है, वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, समझ रहे हैं। तो ये जो चीज हो गई आपकी ग्लोबली इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज कॉल्ड इंटरनेट, ऐसे आप बना दीजिए, ठीक है। ये तो हुआ इंटरनेट। लेकिन फिर वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, द वेब इज वन ऑफ द सर्विसेज दैट रन ऑन द इंटरनेट। तो देखिए ये जो कंप्यूटर नेटवर्क आपका ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क, ये तो क्या हुआ, ये हुआ इंटरनेट, समझ रहे हैं। और फिर आप पूछेंगे वेब क्या हुआ, WWW क्या है, WWW वो सर्विस है, इट इज ए सर्विस, ठीक है, विच रन्स ऑन द इंटरनेट। वो सर्विस जो इंटरनेट पे हम एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं, क्लियर। तो ये डिफरेंस है इंटरनेट में और
वर्ल्ड वाइड वेब में, वर्ल्ड WWW क्या है, वो सर्विस है जो हम इंटरनेट पे रन कराते हैं। इंटरनेट क्या है, ये ग्लोबली फैले हुए कंप्यूटर्स का, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स का आपस में नेटवर्क है। ठीक, चलिए, इट इज एक, अच्छा, और हम बात करें वेब की, तो वेब क्या है, एक तरह से डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्सटुअल डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेस लिंक्ड बाई हाइपरलिंक्स एंड URLs। ठीक है, वेब क्या है, वेब एक कलेक्शन है अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स का, मीडिया का, ऑडियो का, इन सब चीज़ों का, जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं किससे, हाइपरलिंक से। हाइपरलिंक क्या होती है, ये भी आगे बात करेंगे। ठीक है, हाइपरलिंक से कनेक्टेड होते हैं और URL से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। और इन डॉक्यूमेंट्स को कौन ट्रांसमिट करता है, कौन डालता है इंटरनेट पे, कौन अवेलेबल करता है इंटरनेट पे, वो अवेलेबल करता है वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। अब आपको आई होप कि इंटरनेट और WWW में क्या डिफरेंस है, ये क्लियर हो गया होगा। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि द वेब कैन बी थॉट ऑफ एज एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द इंटरनेट, यानी WWW एक तरह से एक एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पे रन करता है। ठीक, उसके बाद पहले तो देखिए WWW का जो यूज था, WWW वो रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन 30 अप्रैल 1993 को, 30 अप्रैल 1993 को इसको फ्री कर दिया गया सबके लिए। इट वॉज फ्री फॉर एवरीवन। तो अब आज के समय में हर व्यक्ति बगैर किसी पेमेंट दिए, बगैर कोई सर्विस चार्ज दिए, WWW करके, और जो भी उसको इंटरनेट साइट खोलनी है, वेब पेज खोलना है, उसका एड्रेस डाल देगा, अब वो अपना उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये हो गया सेकेंड, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। अब आ गया आपका थर्ड, वेब सर्वर क्या होते हैं। ठीक है, तो वेब सर्वर क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए, ये सब पता होना चाहिए। आज के समय में इंटरनेट हर आदमी यूज़ कर रहा है, तो उसकी बेसिक भी पता होना चाहिए। वेब सर्वर कैन रिफर टू आइदर द हार्डवेयर और द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू डिलीवर कॉन्टेंट दैट कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। वेब सर्वर क्या होते हैं, ये वो कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर समझ लीजिए एंड सॉफ्टवेयर, दोनों चीज़ें होती हैं इसमें, दोनों मिलके एक सर्वर बनाते हैं। ठीक है, वेब सर्वर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू डिलीवर कंटेंट दैट कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। मतलब वेब सर्वर उन कॉन्टेक्ट्स को, उन कंटेंट को डिलीवर करते हैं वेब पे, उन कॉन्टेक्ट्स को क्रिएट करते हैं वेब पे। ठीक है, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ वेब सर्वर इज टू होस्ट वेबसाइट, बट देर आर अदर यूजेज लाइक डाटा स्टोरेज फॉर रनिंग एंटरप्राइज एप्लीकेशन एट्सेट्रा। तो देखिए, वेब सर्वर अगर आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझना है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो पावरफुल कंप्यूटर है, तगड़े कंप्यूटर होते हैं ये पावरफुल कंप्यूटर्स, जो HTML जो भी आप इंटरनेट पे जो भी आप कंटेंट देखते हैं, उन वो कहाँ, वो कंटेंट्स कहाँ पे क्रिएट और स्टोर किए जाते हैं, वेब सर्वर पे, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर अभी हमने आपको बताया अभी था, तो वेब ब्राउजर क्या है, ए वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर रिट्रीविंग प्रेजेंटिंग एंड ट्रेवर्सिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है या वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम इंटरनेट पे कोई डाटा हम रिट्रीव कर सकते हैं, कोई डेटा हम अपना उसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और जिसकी मदद से हम एक पेज से या एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये सारा काम करने के लिए, यानी इंटरनेट पे कुछ भी करने के लिए, हमको वेब ब्राउज़र चाहिए ही होगा। और चार पांच वेब ब्राउज़र अभी हमने आपको 5 मिनट पहले बताया इसी लेक्चर में, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एंड सो ऑन, कई वेब ब्राउज़र
अवेलेबल है आज के समय मार्केट में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और जैसे सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, जो अभी हमने नाम नहीं बताया, वो भी आप देखिए कि सफारी भी एक बढ़िया वेब ब्राउज़र है, सफारी और ओपेरा ये भी वेब ब्राउज़र है, क्रोम और एज और मोजिला फायरफॉक्स उन सब के अलावा, क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि जो वेब ब्राउज़र होते हैं उसमें आदमी क्या क्या काम कर सकता है, तो जनरली वेब ब्राउज़र में क्या होता है कि वेब ब्राउज़र में जनरली तीन इंटरफेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं और कुछ और टर्म्स जो हैं वो अभी आपकी रह गई हैं, ठीक है। अभी ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसको अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो चैनल पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।